तो एक और कस्टमर कार दिल्ली में फाइंड करके लेकर आया हूँ मैं, जो चली है सिर्फ 15,000 किलोमीटर। हवेवर ओनर सेकंड है, तो मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस हुआ कि सेकंड ओनर है, उसके बाद 15,000 किलोमीटर चली है। बट गाड़ी के अंदर जब मैं बैठा, जो गाड़ी की फ्रेगनेंस थी, उससे मुझे थोड़ा सा यकीन आया कि गाड़ी 15,000 चली है। हवेवर फ्रेंड्स, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर गाड़ी की पूरी सर्विस हिस्ट्री निकाल के रखूँ। मुझे दिन में 3 या 4 वीडियोज़ बनानी है, तो मैं हर डीलरशिप में कैसे सर्विस हिस्ट्री निकाल सकता हूँ? आपको अपनी मनी इन्वेस्ट करनी है, अपनी हार्ड एंड मनी इसमें इन्वेस्ट करनी है, तो सर थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको करनी होगी। आई कैन शेयर द कार नंबर विद यू, आई कैन शेयर द आरसी विद यू, उसकी सर्विस हिस्ट्री, उसका ट्रैक आपने निकालना है। अगर आप गाड़ी स्कैन कराना चाहते हैं तो आप स्कैन भी करा सकते हैं, लेकिन स्कैनिंग की बात तब आएगी जब आप एक प्राइस पॉइंट पे एग्री करेंगे, तभी स्कैनिंग कराने के लिए लेकर जाएंगे कंडीशनल टोकन करने के बाद। तो इस गाड़ी की आपको डिटेल्स बता देता हूँ, 360 डिग्री व्यू भी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा सा कंजेस्टेड है, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको दिखा सकूं, अदरवाइज मैं गाड़ी को घुमा के जब टेस्ट ड्राइव पे लेकर आऊंगा ये वाली साइड प्रोफाइल आपको तभी दिखा दूंगा। गाड़ी की एक बारी मैं आपको डिटेल्स बता देता हूं इंग्लिश में। दिस इज मर्सिडीज बेंज 350D CDI डीजल इंजन, दिसंबर 2014 रजिस्टर्ड है ये। सो मोटा मोटा टेक्निकली 2015 आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 2014 दिसंबर मंथ रजिस्टर्ड है। इंश्योरेंस 22 दिसंबर को इसका एक्सपायर्ड हुआ है, तो आई एम श्योर कस्टमर ने रिन्यू करा लिया होगा। 22 दिसंबर 2022 तक का इंश्योरेंस वैलिड था, और गाड़ी चली है सिर्फ 15,000 किलोमीटर। इसके टायर्स किस स्टेट में है, इंटीरियर्स कैसे हैं, इंजन रूम वगैरह कैसा है, इंटीरियर्स कैसे हैं, एक एक चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, स्किप करके ना देखें। सो फ्रंट में हमें यहाँ पे जो क्रोम ग्रिल मिल रही है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, कहीं से कोई टैन नहीं कर रही है, कहीं से ख़राब नहीं है, रस्टिंग नहीं कर रही है। सिग्नेचर लोगो यहाँ पे मिल रहा है जो अभी तक इंटैक्ट है हमारा। ये वाला लोगो थोड़ा सा एज फैक्टर की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा सा डल हो गया है, एज फैक्टर के हिसाब से हुआ है, चलने से लोगों का लेना देना नहीं है। ठीक है, हेडलाइट्स आपको एक बार इसकी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ गाड़ी की। तो फ्रंट की ये DRLs हैं, आप DRLs की कंडीशन देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी लेस ड्रिवन है। लाइट्स की हालत देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार लेस ड्रिवन है। बाकी सर्विस हिस्ट्री चेक करनी है सर, वो मैं आपको RC शेयर कर दूंगा, वो आप कर सकते हैं प्लीज़। हेडलाइट्स इसकी बिल्कुल इंटैक्ट हैं, तो फ्रंट से हमारा ग्रिल इंटैक्ट है, दोनों हेडलाइट्स हमारी इंटैक्ट हैं। बम्पर जो है ये यहाँ पे काफ़ी लगा है, मतलब काफ़ी स्क्रैचेस हैं इसके ऊपर, ये आपको पेंट कराना पड़ेगा। एस क्लास रख रहे हैं, अगर 15,000 किलोमीटर चली गाड़ी तो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। बोनट जो है इसका रबिंग वफिंग से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, बोनट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्क्रैचेज नहीं है, इतना बड़ा बोनट होने के बाद भी बड़ा साफ़ रखा हुआ है, ये अच्छी चीज़ देखने को मिली है। फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये वाला जो हमारा, देखिए बम्पर तो पेंट कराने ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पे सेंसर्स मिल रहे हैं जो इंटैक्ट है हमारे, ये बम्पर्स हमें पेंट कराने हैं। उसके अलावा इसके टायर्स की क्या कंडीशन है, 15,000 चली है तो टायर्स अभी इसके आराम से अभी 65% के आसपास टायर्स हैं, 70% टायर्स हैं इसके अंदर। अलॉयज जो हैं इसके वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं। ये वाला फेंडर हमारा साफ साफ बचता है, हमें कुछ नहीं कराना है। उसके बाद में हमारा ये वाला डोर रबिंग बफिंग से हमारा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, इस पर हमें कुछ नहीं कराना है। एक हल्का सा यहाँ पे डेंट है, और यहाँ पे ये रबिंग बफिंग से साफ़ हो जाएगा, एक हल्का सा यहाँ पे डेंट है, बाकी जो हेयरलाइन स्क्रैचेस हैं वो सब रबिंग बफिंग से जा सकते हैं। और ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है तो ये देखिए लाजमी सी बात है, ये सब चीज़ें होंगी, ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है तो यहाँ पे ये भी स्क्रैच है, ये भी आपको पेंट कराना पड़ सकता है। ठीक है, डीलर की जो गाड़ी होती है वो तैयार गाड़ी होती है, बाकी जो कस्टमर की गाड़ी होती है उसमें कुछ कुछ कराना पड़ता है। यहाँ पे जो है हल्के हल्के से ऑरेंज स्क्रैचेज आ रखे हैं, वो आपको कराने पड़ सकते हैं। ये वाला फेंडर हमारा बिल्कुल साफ साफ बचता है, तो ये हमें जो है रियर का बम्पर हमें पेंट कराना पड़ सकता है। ओरिजिनल गाड़ी है सर, ये सारे चीज़ें जो हैं फिर देखिए एक्सेप्टेबल होती हैं जब आपको ओरिजिनल गाड़ी चाहिए। यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसका कवर करने की कोशिश करते हैं, इसकी साइड प्रोफाइल भी आपको दिखा देता हूँ गाड़ी की, इस साइड से, राइट हैंड साइड से। चारों के चारों इसके जो सॉफ्ट टच हैं वो अच्छे से फंक्शनल कंडीशन में हैं, और कहीं पे कोई किसी तरह का लैग नहीं मिल रहा है, सॉफ्ट टच अच्छी वर्किंग कंडीशन में है। फिर हम एक बारी ये वाला पीस भी ध्यान से देख लेते हैं, थोड़ा सा चश्मा उतार के। यहाँ पे हमें रबिंग बफिंग से तो इसका काम थोड़ा सा बनना मुश्किल है, ये वाले पीस का, ये बन जाएगा रबिंग बफिंग से। टायर्स जो हैं इसमें पिरेली के हैं, टायर्स अच्छी कंडीशन में हैं। हाउएवर अलॉयज जो हैं वो भी यहाँ पे थोड़े से साइड में, शायद यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है तो ये यहाँ पे साइड में लगे हुए हैं, ये भी हम कवर कर सकते हैं अपनी वर्कशॉप में। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जेन्युइन 15,000 चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट कस्टमर कार है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो साइड से हमें कुछ खास काम नहीं कराना है, इसके जो फ्रंट का दरवाज़ा है, जो रियर का दरवाज़ा है और जो फेंडर है उस पर हमें कोई खास काम नहीं कराना है। अब एक बारी हम इसके इंजन की आपको साउंड सुना देते हैं, इंजन रूम दिखा देते हैं, सनरूफ वगैरह फिर वो टेस्ट ड्राइव के दौरान चेक कर लेंगे। एक बार इसका इंजन रूम खोल के देखते हैं,
जो जो चीज़ें एक नेकेड आई से आप देखेंगे आके गाड़ी को फिजिकली, उससे बेटर तरीके से मैं देखने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरा काम है ये। उसके अलावा आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वर्कशॉप से मिल सकती है, ऑथोराइज वर्कशॉप से। सो हाइड्रोस्टेट्स इसके प्रॉपरली फंक्शनल हैं और गाड़ी वाकई यहाँ से खोल के तो लग रहा है कि वाकई कभी 15,000 ही चलिए, देखिए कहीं पे कोई रस्टिंग नहीं आ रही, कभी ये पेंच वेंच नहीं खुले, कभी आपके ये पेंच नहीं खुले, कभी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। ये देखिए सारे इंटैक्ट बोल्ट्स इसके चले आ रहे हैं, सारे के सारे इंटैक्ट, सब कुछ इंटैक्ट चला आ रहा है अभी तक गाड़ी। यहाँ पे हमें कोई स्मोक भी नहीं दे रही है। अब हम इसका एक बार सेल्फ मार के आपको और सुनाते हैं। यहाँ पे हमें 3-tone इंटीरियर्स मिल रहे हैं, यहाँ ग्रेश लुक मिल रहा है, देन बेज मिल रहा है, यहाँ बेज मिल रहा है, वुडी फिनिश मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे हमें क्रोम फिनिश मिल रही है, यहाँ क्रोम फिनिश मिल रही है, एम्बिएंट लाइटिंग मिल रही है, बर्मिस्टर का सराउंड सिस्टम मिल रहा है, कूल्ड और हीटेड सीट्स का हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, और एयरमैटिक सस्पेंशन मिल रहे हैं, चारों पावर विंडोज़ हैं यहाँ पे, और ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं जो कि प्रॉपरली फंक्शनल हैं बटन के एक प्रेस के साथ ऑफकोर्स, और 8-way एडजस्टेबल सीट हैं। यहाँ पे एस क्लास की देखिए कितनी बड़ी यहाँ पे सीट्स के बटन दिए गए हैं। एक बार हेडरेस्ट से स्टार्ट करते हैं कि सब कुछ फंक्शनल है या नहीं है। देखिए हेडरेस्ट स्मूथली ऊपर जा रहा है हमारा, सीट आगे पीछे मूव फॉरवर्ड हो रही है, रिक्लाइन डिक्लाइन हो रही है, फ्रंट फॉरवर्ड हो रही है हमारी, और हमारी टिल्ट भी हो रही है। तो 8-way एडजस्टेबल हमें सीट्स इसके अंदर मिल रही हैं। स्टीयरिंग इसके अच्छी कंडीशन में, सीट्स एक बार ही देखिए आप, कहीं से कहीं तक भी टॉन या घिसी हुई नहीं है और कहीं से बनवाई भी नहीं है। इस चीज़ से हमें अंदाज़ा होता है कि गाड़ी लेस ड्रिवन है। वाली सीट भी हमारी इंटैक्ट है। यहाँ पे आप पूरा एक बार कंसोल देखिए, इतना प्यारा लगेगा विद एम्बियंट लाइटिंग, और जो इसके क्लस्टर मीटर है, वुडी फिनिश है इसके अंदर, बेज फिनिश मिल रहा है, बेज भी आइवरी टच के साथ मिल रहा है। फिर एक बार यह पीछे वाली सीट देखेंगे तो यहाँ पे है इस गाड़ी में बैठने की लग्जरी, ये है इस गाड़ी का मज़ा। और ऊपर हमें पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है, और ये सारे कंट्रोल्स हम यहाँ से कर सकते हैं इस सनरूफ के, यहाँ से हम इसके सारे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से हम कर्टेन जा रहा है हमारा, पीछे का रियर कर्टेन हमारा जा रहा है, यहाँ से हमारा सनरूफ का कर्टेन जा रहा है, उसके बाद ये हमारा साइड के हम कर्टेन्स यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ ये वाले कर्टेन एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें हमें हीटेड कूल्ड सीट्स मिल रही हैं, मेमोरी सीट्स मिल रही हैं, फ्रंट फॉरवर्ड की हमें ऑप्शन मिल रही है इसके अंदर, हेडरेस्ट का इसके अंदर हेडरेस्ट का भी ऑप्शन मिल रहा है, वो भी वर्किंग है। यहाँ पे क्रोम फिनिश, एम्बिएंट लाइटिंग, अच्छी खासी स्पेस मिल रही है गाड़ी में। पीछे बैठने के बाद में एक अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। वैनिटी मिरर्स हैं जो कि स्मूथली नीचे जा रहे हैं। लाइट यहाँ पे हमें मिल रही है, और ये हमें हैंगर्स यहाँ पे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। लाइट्स यहाँ की सारी फंक्शनल हैं, एक बटन दबाते ही सारी लाइट्स जल रही हैं इसकी। और यहाँ पे हमें रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम भी मिल रहा है जो आई एम श्योर वर्किंग कंडीशन में होगा। रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम है, 4-zone एसी कंट्रोल्स मिल रहे हैं, अलग अलग हम अपने टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यहाँ हमें चार्जिंग पॉइंट मिल रहे हैं, दो दो चार्जिंग पॉइंट मिल रहे हैं एक तरीके से, और यहाँ पे एसी वेंट्स मिल रहा है हमें, ठीक है। आप कारपेट देख सकते हैं, ऊपर से भी इसकी रूफ देख सकते हैं। देखिए जैसे गाड़ी बाहर से इतने स्क्रैचेस हैं, ये अग्री, लेकिन गाड़ी अंदर से वैसी नहीं है क्योंकि गाड़ी लेस ड्रिवन है। बाहर से अब दिल्ली में कई ऐसी ऐसी हमारे यहाँ पे जगहें हैं जहाँ पे बहुत कंजस्टेड है, और वहाँ पे लोग स्क्रैचेस धैं धूं लगते रहते हैं, कभी साइकिल वाले मार जाते हैं, कभी रिक्शा वाले मार जाते हैं। तो गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, और मेरी अपनी वर्कशॉप है, अगर आप चाहोगे मैं बिल्कुल इसको ब्रांड न्यू बना के आपको गाड़ी को दे दूंगा, अलॉयज से लेके इसकी डिटेलिंग, पेंट वर्क जो कराना है सब कुछ करा के दे दूंगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार रुपये में गाड़ी रेडी हो जाएगी हमारी। और ये जो कस्टमर हैं, 2014 मॉडल दिसंबर मंथ की गाड़ी, S350 CDI डीजल इंजन ड्रिवन, 15,000 किलोमीटर, ओनर सेकंड HR26, इनका आस्किंग प्राइस है 43 लाख रुपीज़ इस गाड़ी का। सो 43 लाख रुपीज़ में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी, और 15,000 चली एस क्लास मिलना बहुत मुश्किल है, ऑनेस्टली 15,000 चली गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। तो एक बार गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं और फिर चेक करके बताते हैं। तो अंदर जो फ्रेगनेंस है गाड़ी के अंदर, वो नई गाड़ी वाली फ्रेगनेंस है। अब हम इसके पहले एयरमैटिक सस्पेंशन देख लेते हैं, प्रॉपरली फंक्शनल हैं या नहीं है। सो एयरमैटिक सस्पेंशन हमें गाड़ी लिफ्ट अप करनी है, कंफर्ट मोड में जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी नीचे जा रही है, हमें फील हो रहा है बराबर। गाड़ी के जो एयरमैटिक सस्पेंशन हैं वो वर्किंग कंडीशन में, स्पोर्ट्स और इकोनॉमी मोड में आप इसको चला सकते हैं। यहाँ से आप इसकी सीट एडजस्ट कर सकते हैं। नेविगेशन देखते हैं गाड़ी के अंदर है, नेविगेशन है यहाँ पे, रेडियो कनेक्टिविटी है, म्यूजिक सिस्टम इसका ऑफकोर्स बर्मिस्टर का सिस्टम है, उसको अनडाउटेबल इट्स बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। और मीडिया कनेक्टिविटी में हमें AM कनेक्टिव वो मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगा, और CD चेंजर्स वगैरह मिलेंगे, टेलीफोन कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें वैली
यहाँ पे हमें व्हीकल सेटिंग्स वगैरह मिल जाएंगी, व्हीकल सेटिंग्स हम कर सकते हैं अपने हिसाब से, पेरेंटल कंट्रोल्स, ओनर टाइम, ये सारे सेटिंग्स कर सकते हैं हम, और यहाँ से हम इसे डाउन करके यहाँ से इसके एसी के कंट्रोल्स वगैरह कर सकते हैं। तो स्क्रीन वगैरह बिल्कुल हमारी प्रॉपर फंक्शनल है, यहाँ पे हमें जो बटन दिया गया है रियर कर्टेन का है वहाँ से फंक्शनल है, यहाँ से हम हेडरेस्ट डाउन कर सकते हैं, पैसेंजर एयरबैग्स हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, एनालॉग क्लॉक हमें यहाँ पर मिलता है, एसी वेंट्स भी बिल्कुल देखिए बिल्कुल साफ़ है, अंदर से गाड़ी आई अग्री बिल्कुल साफ़ है, इसकी जो रूफ़ वगैरह है वो बिल्कुल साफ़ है, सनरूफ देखते हैं सिंगल टच के साथ वर्किंग कंडीशन में है, बिल्कुल सिंगल टच के साथ वर्किंग कंडीशन में है सनरूफ इसकी, कर्टेंस भी एक बारी देख लेते हैं प्रॉपर फ्लो उनके हैं या नहीं है कर्टेंस के, सो कर्टेंस के भी पहले पूरे फ्लो हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं गाड़ी के टेस्ट ड्राइव पे जाने से पहले, इंजन की साउंड और हाफ सेल स्टार्ट में पहले ही चेक कर चुका हूँ, अब हम इसको ज़रा ड्राइव करके देख लेते हैं कि गाड़ी चलने में कैसी है हमारी। जैसे कि मेरा स्टेयरिंग वेल बिहेव्ड है यानी देखिए घूम के वापस अपनी जगह पे आ रहा है ये, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे काटेंगे, ये हमने यहाँ पे स्टेयरिंग काटा हमारा और ये वापस अपनी जगह पे आ रहा है, ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं जब हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं, इसको कहते हैं वेल बिहेव्ड स्टेयरिंग। और हमारे शॉकर जो हैं वो वेल बिहेव्ड हैं, हमारे सस्पेंशन जो हैं इस रोड पर हमें पता चल रहा है सही हैं, गाड़ी की इंजन माउंटिंग में कोई काम नज़र नहीं आ रहा है, गाड़ी चलते ही चारों पावर विंडो, चारों डोर्स पावर लॉक हो गए हैं, सिर्फ एक एरर सामने डिस्प्ले कर रहा है वो है चेंज की बैटरी का, जो इसकी बैटरी है वो हमें चेंज करानी है, चेंज की बैटरी का इसका एक एरर शो कर रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। तो गाड़ी चलने में स्मूथ है, गाड़ी का टर्निंग रेडियस बहुत शॉर्ट है, आराम से गाड़ी मैंने घुमा दी है इन गलियों में, और बाकी देखिए गाड़ी के ना स्टेयरिंग पे बैठ के ही पता चल जाता है कि गाड़ी कसी भी है या गाड़ी ढीली डाली है, गाड़ी 15,000 चली है, 1.5 लाख किलोमीटर चली है, स्टेयरिंग पे बैठ के पता चल जाता है, लग रहा है 15,000 चली है, बट फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप मुझसे आरसी मांगें और गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री चेक करें, उसके बाद आप कंडीशनल टोकन करें, गाड़ी को स्कैन कराएं, जिस नाम पे आरसी है उसके अकाउंट में आप पेमेंट करें, सेफ, लेट्स बी सेफ। बट अगर आप कहीं से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं आप, ठीक है, आप चाहते हैं कि एयर टिकट बुक करने से पहले आप गाड़ी को होल्ड कर लें, तो आप 50,000 रुपीज़ देके, 1 लाख रुपीज़ देके आप गाड़ी को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप प्लीज़ अगर कोई भी पेमेंट करें एडवांस की तो आप या मोटो फाइंडर के अकाउंट में करें या मेरे अकाउंट में वसीम राजा खान के अकाउंट में, किसी अननोन अकाउंट में ना करें जिसमें मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, जिसमें मतलब इन दो के अलावा किसी में करना ही नहीं है। अगर आप आए, आपने गाड़ी मैंने आपके लिए होल्ड करके रखी, आपको पसंद आई तो ठीक है, अगर नहीं पसंद आई तो आपको रिफंड कर दूंगा मैं एडवांस। सर मुझे आपका एडवांस सिर्फ इसलिए चाहिए कि अगर आप आ रहे हैं दूर से तो मैं आगे सेलर से बात करके गाड़ी को होल्ड करके रख सकूं कि हाँ सर एडवांस मेरे पास आ गया है, और वो एडवांस फिर मैं अपने पास रखता हूं क्योंकि अगर वापस करना हो तो मैं कन्वीनियंटली आपको वापस भी कर दूं। सो कमिंग बैक टू दिस कार, कार इज़ 100% ओके, मैकेनिकली ट्यून्ड है, 15,000 चली है, इंश्योरेंस 22 दिसंबर 2022 को ऐप में एक्सपायर्ड बता रहा है, एम श्योर कस्टमर ने रिन्यू करा लिया होगा वरना करा के देना चाहिए, टायर्स अच्छी कंडीशन में 65% टायर्स हैं, इंटीरियर नीट एंड क्लीन है, बॉडी पे स्क्रैचेज हैं, हेयरलाइन स्क्रैचेज भी हैं, कुछ गाड़े स्क्रैचेज भी हैं जिनको पेंट वर्क भी कराना है वो मैं आपको अपनी वर्कशॉप में करके दे सकता हूँ। मैकेनिकल गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह, हेडलाइट्स, इलेक्ट्रिकल सीट्स, एवरीथिंग इज फुल ऑन वर्किंग कंडीशन, बाकी आपको मैं बोल ही रहा हूँ कि आप मर्सिडीज़ में चेक कराएं। तो अगर इसके अलावा अगर आप कोई और एस क्लास देख रहे हैं तो मेरे पास ग्रे कलर की भी एक एस क्लास है, आप मेरे कैटलॉग में देख सकते हैं, साइड में मेरा कैटलॉग रन कर रहा है, वहाँ पे हर गाड़ी के 10 फोटो डिटेल्स, आस्किंग प्राइस और यूट्यूब वीडियो लिंक होता है, इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वसीम खान 1107 करके मेरा इंस्टा आईडी है, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड डे।